करनाल के कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज में मुख्यमंत्री के रेवाड़ी में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम से सीधा प्रसारण किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से मुख्यमंत्री ने प्रदेश के तमाम युवाओं के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद की जयंती पर 4 लाख से अधिक युवाओं ने रन फॉर यूथ में भाग लेकर एकता का परिचय दिया है। उन्होंने बताया कि स्वामी विवेकानंद की भांति सिद्धार्थ, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसी कई महान शख्सियत और देशभक्तों के नाम उपलब्धि भी युवा अवस्था में ही हुई थी। उन्होंने युवाओं से कहा कि जीवन में चरित्र, संकल्प और निडरता 3 गुणों का समावेश कर राष्ट्र को सफल बनाने का काम करें। देश के प्रति अपना कर्तव्य और जिम्मेदारियों को पूरा करें, क्योंकि देश से हमें सब कुछ मिला है। हमें असहाय लोगों की मदद करनी चाहिए और नशे से दूर रहना चाहिए। स्वामी विवेकानंद के जीवन को आत्मसात करें और उनके दिखाए मार्ग पर चलें। कार्यक्रम में अतिरिक्त उपायुक्त अनीश यादव, एसपी सुरेंद्र सिंह भूरिया, कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज के निदेशक डॉक्टर जगदीश चंद्र दुरेजा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। देखिए एक रिपोर्ट। मंच पर उपस्थित हमारे सभी मंत्रीगण, सभी केंद्रीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, प्रशासन अधिकारीगण व विभिन्न आयामों से जुड़े हुए युवा संगठनों के हमारे साथी, मैं सभी का आपको विवेकानंद मान करके अभिनंदन करता हूं। साथियों को जैसा पता है, हम कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन 12 जनवरी सन 1863 को हुआ, उनका जन्म हुआ। आप भी कहते हैं, मैं भी कहता हूं, लेकिन इसमें थोड़ी सुधार करने की आवश्यकता है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 नहीं है, बल्कि वो जन्मदिन नरेंद्र दत्त जी का है। नरेंद्र दत्त उस दिन पैदा हुए और अपने JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।